जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा एवं प्रकृति हमने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है आपके पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का कोर्स टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति हर एक यूनिट हर एक टॉपिक हमने अच्छे से आपको बता दिया है कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अगर आपने सिलेबस नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी बी ए सेमेस्टर पोलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड की क्लासेस उसमें आप जाकर देखेंगे आपको वहाँ पर सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी अगर आप नोट्स के फॉर्म में चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में आप अगर सिलेबस चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें वहाँ पर सिलेबस तो मिलेगा ही साथ साथ ये जो क्लासेस आपकी कराई जाएंगी पूरा सिलेबस जो आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा उसके नोट्स भी हर एक चैप्टर के वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे आप कमेंट में अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी अवश्य बताइएगा टेलीग्राम चैनल पर क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं आपको वहाँ पर भेजे जाते हैं साथ ही साथ पूरा लेक्चर पूरा वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर में जो भी वीडियो लेक्चर आपको बताया जाए उसमें न समझ में आए कोई भी टॉपिक कोई भी बात आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको वह उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दिया जाएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरा आपका सिलेबस जो है यहाँ पर अच्छे से कराया जाएगा हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा एवं प्रकृति के विषय में चैप्टर सेकेंड में हम उसका एक प्रकार से दायरा पढ़ेंगे दृष्टिकोण पढ़ेंगे और उसके जो सिद्धांत हैं उनके विषय में चैप्टर सेकेंड में हम पढ़ेंगे तो चैप्टर फर्स्ट हमारा समझने के लिए है हमारा कोर्स टाइटल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध ही है कोर्स टाइटल और राजनीति तो उसको समझने के लिए एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे फिर उसकी परिभाषा देखेंगे फिर उसके विषय क्षेत्र देखेंगे इसका महत्व देखेंगे और हमारा यह चैप्टर हो जाएगा समाप्त तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो शब्द है उसका आखिर अर्थ क्या होता है वीडियो लाइक अवश्य कर दिया करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय तथा राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कौन कौन से शब्द हैं वह अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शब्द का क्या अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय का अभिप्राय दो अथवा दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न होने वाली एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं तथा संबंधों से है किससे है अंतर्राष्ट्रीय जैसे कोई भी राष्ट्र हो उसके मध्य उत्पन्न होने वाली जो घटनाएं हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डालने वाली घटनाएं हैं और उनका जो संबंध है उसी से अभिप्राय है किसका अंतर्राष्ट्रीय शब्द का और राजनीति का सामान्य अर्थ क्या होता है शक्ति अर्जन के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति कहलाता है किसके लिए शक्ति अर्जन के लिए किया गया संघर्ष क्या कहलाता है राजनीति कहलाता है समान हित के वर्ग गुट अपने से भिन्न वर्ग गुटों से टकराते हैं तो एक विशेष व्यवहार का उदय होता है जिसे राजनीति का नाम दिया जाता है जैसे कि आप आप बेसिक लेवल पर ही देखिए लेवल आपका समझ लीजिए प्रधानमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर जो है इनको छोड़िए आप गांव में देखिए राजनीति कैसे होती है गांव में अलग अलग चुनाव सदस्य खड़े होते हैं और अपने लिए वोटों की मांग करते हैं और एक दूसरे से वह टकराते हैं सीधे युद्ध के माध्यम से नहीं वोटों के माध्यम से टकराते हैं अपने भाव को वह बताते हैं कि हम जीतेंगे तो आपके लिए ये कार्य करेंगे वो बताते हैं कि ये कार्य करेंगे और दोनों के मध्य एक प्रकार से टकराव होता है जो दो सदस्य होते हैं तो उनके मध्य होता है टकराव और उसमें से जो जीतता है उसे शक्ति अर्जित होता है आप इसी छोटे से एग्जाम्पल से राजनीति को अच्छे से समझ सकते हैं और इसमें प्रत्येक वर्ग अपने हितों को अधिकतम मात्रा में सिद्ध करना चाहता है इस कारण राजनीति का प्रथम स्रोत समूहों का अस्तित्व व उनकी पारस्परिक स्पर्धा है अगर कोई भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि वह प्रधान बन जाए अर्थात उसका जो अस्तित्व है वह स्थापित हो जाए वह यही चाहेगा तो किसी भी राजनीति का प्रथम स्रोत समूह क्या होता है समूहों का अस्तित्व होता है अर्थात उनकी पार्टी का अस्तित्व होता है उसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो हमारे राष्ट्र का जो अस्तित्व है वह बना रहे यह हम चाहेंगे इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों की घनिष्ठता स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रों के हितों का ध्यान रखने की बातों पर विचार किया जाता है आगे हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वे समस्त शक्तियां व प्रभाव आते हैं जो राष्ट्रीय राज्यों की विदेश नीतियों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होते हैं कौन कौन सी शक्तियां आते हैं प्रभाव में जो राज्यों की विदेश नीतियों को निर्धारण के लिए प्रयुक्त होते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं कौन कौन से राष्ट्रीय हित संघर्ष एवं शक्ति अब राष्ट्रीय हित क्या होता है कोई भी राष्ट्र हो कुछ भी कार्य करे जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दे के बताया कोई भी हो चुनाव लड़ेगा तो वह अपने हित के लिए लड़ेगा फिर वह अपना हित सबसे पहले चाहेगा तो कोई भी राष्ट्र हो जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट करता है तो वह अपने राष्ट्र की जैसे कि भारत देश है वह जब राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाता है तो वह सबसे पहले भारत देश के हित के बारे में सोचता है और संघर्ष जो होता है उसकी प्रवृत्ति होती है कहीं पर भी अपने हित की बात आप करेंगे तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष को करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे शक्ति का प्रयोग करेंगे तो शक्ति एक प्रकार से साधन का कार्य करती है तो राष्ट्रीय हित जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है और संघर्ष जो होता है उसकी प्रवृत्ति होती है और शक्ति उसका साधन होता है आप अपने राष्ट्र के हित के लिए संघर्ष करते हैं जो कि आपकी प्रवृत्ति होती है और उस संघर्ष को करने के लिए आप साधन अपनाते हैं वह साधन क्या होता है वह शक्ति होती है परंतु जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष है वहीं उसमें सहयोग भी दिखाई देता है अब आप संघर्ष कर रहे हैं तो अपने बगल के देशों के लिए व्यापार करने हेतु या किसी भी कार्य हेतु आप उनसे सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनको सहयोग दे रहे हैं और उनसे सहयोग ले रहे हैं तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर हम संघर्ष करते हैं अपने राष्ट्रहित को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर हम सहयोग भी करते हैं सहयोग भी प्राप्त करते हैं सहयोग दूसरों का भी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग तथा संघर्ष की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरफ विवादों के उत्पन्न होने की प्रिय क्रिया चलती रहती है और वहीं दूसरी तरफ शक्ति के माध्यम से उनका उचित समाधान एवं सामंजस्य करने की प्रक्रिया कर कार्य करती रहती है जैसे कि हमारे देश और चीन के मध्य बहुत ही मधुर संबंध तो नहीं है लेकिन व्यापार देखिए उचित मात्रा में होते जा रहे हैं व्यापार वहाँ के लोगों को भी लाभ है इसलिए वह व्यापार कर रहे हैं चीन के लोग चाइना के लोग और हमारे देश को भी उस व्यापार से लाभ है इसलिए उस व्यापार को हम करने दे रहे हैं तो इस प्रकार देखिए विवाद तो हमारा चल ही रहा है चाइना के साथ लेकिन हम उनके साथ सहयोग भी ले रहे हैं और सहयोग दे भी रहे हैं व्यापार के माध्यम से इसी प्रकार जहाँ पर संघर्ष होता है रा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वहाँ पर सहायता भी होती है योग भी चलता रहता है ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति को गतिशीलता प्रदान करती हैं अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा देखेंगे सबसे पहला परिभाषा और सबसे मुख्य परिभाषा जो माना जाता है वह है मार्गेन थाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो मार्गेन थाउ उसके विषय में कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है मार्गेन थाउ जी क्या कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें शक्ति के लिए संघर्ष लोग करते हैं किसके लिए संघर्ष करते हैं शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और वही शक्ति साधन का प्रयोग करती है मतलब शक्ति को हम प्राप्त करने के बाद साधन के रूप में प्रयोग करते हैं इस प्राउड क्या कहते हैं स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों जैसे कि राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों या हितों में आपसी विरोध में प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है अर्थात जो स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय हैं उसमें जो संघर्ष से उत्पन्न क्रिया प्रतिक्रिया होती है मतलब हमारे तरफ से कोई क्रिया की गई तो दूसरे देश के प्र से जो रिएक्शन आया जो प्रतिक्रिया आई उसका अध्ययन हम करते हैं और हमारे दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं किसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा किसका कहना है इस महोदय का कहना है थॉम्सन महोदय क्या कहते हैं राष्ट्रों के मध्य छिड़ी स्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों एवं संस्थाओं का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है यह कौन कहता है थॉम्सन महोदय आगे हम देखेंगे लिंकन और पेडल फोर्ड के अनुसार हम विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषा क्यों देखते हैं क्योंकि उनका अलग अलग परिभाषा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में रहता है और अलग अलग हम दृष्टि से जब देखते हैं किसी भी चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ही पढ़ रहे हैं अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं तो उसके हर एक पहलू को हम समझ पा रहे हैं तो लिंकन और पेडल फोर्ट क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य सत्ताओं के बदलते संबंधों के संदर्भ में राज्य की नीतियों के पारस्परिक घात प्रतीक घात को कहते हैं बर्टन क्या कहते हैं बर्टन महोदय कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अन्य बातों के अलावा वे सारी घटनाएं और परिस्थितियां आती हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है जो भी घटनाएं हैं जो भी परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है वो अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आती है ब्रिटेन जूनियल क्या कहते हैं विवाद ही राजनीति का मूल है जैसे कि कहीं भी राजनीति आप देखेंगे उसमें विवाद होना तय है विवाद का मतलब एक लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता दोनों के विचारों में भी मतभेद होता है तो कहीं भी राजनीति अगर होगी तो दोनों के विचारों में मतभेद अवश्य होगा पार्टियों के मध्य या देशों के मध्य राष्ट्रों के मध्य विवाद अवश्य होगा इसलिए ब्रटन जूनियर जी कहते हैं कि विवाद ही राजनीति का मूल है मिलर हारोल्ड लासवेल व मैरिस कार्डलिंग ये चारों कहते हैं कि विवाद राजनीति का आधार है वह कहते भी हैं कि विवाद राजनीति की इकाइयों के मध्य प्रतिद्वंदिता की स्थिति है जो प्रायः सदैव बनी रहती है जो कि हमने आपको भी बताया कि जहां भी राजनीति आपको देखने को मिलेगी वहां विवाद अवश्य देखने को मिलेगा राजनीति से विवाद कभी भी मिटाए नहीं जा सकते उनका समाधान केवल अस्थायी होता है इस प्रकार हमने परिभाषा देख ली अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र देख लेते हैं उसका दायरा देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं लेकिन कुछ प्रमुख मत के अनुसार हम देखेंगे कि इनका क्षेत्र क्या है उसके बाद हम विषय पढ़ेंगे क्षेत्र विषय और फिर हम महत्व पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जो भी आपको टॉपिक ना समझ में आए आप अवश्य कमेंट करके पूछिएगा आपको अवश्य समझाया जाएगा रिप्लाई करके लेकिन आशा करते हैं कोई भी एक टॉपिक आपको ऐसा नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा जो समझ में ना आए क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है पहला हमारा क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध चार्ल्स स्लाइसर के अनुसार यद्यप अंतरराष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते तदापि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं अर्थात एक देश का हमारे देश का दूसरे देश से क्या संबंध है इसके विषय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही पढ़ते हैं दूसरा है टकराव की राजनीतियाँ नार्मल पेटल फोर्ड व जाल लिंकन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संबंधों के परिवर्तित होते हुए ढांचों के भीतर एक दूसरे से टकराती हुई राजनीतिक नीतियां हैं उसके विषय में हम पढ़ते हैं जो भी टकराव हुए हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है अगला हमारा है राज्य व्यवस्था नॉर्मन पामन का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्य व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज का और राज्य व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है ऐसा किसका मत है नॉर्मन पामन का मत है अगला हमारा है शक्ति संघर्ष हॉन्स मार्गन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है क्योंकि मार्गें थाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा देते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसमें शक्तियों का संघर्ष है शक्ति के इसलिए संघर्ष करते हैं लोग और उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं तो उन्होंने परिभाषा में भी बताया था और क्षेत्र भी सत्री संघर्ष का है उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन क्षेत्र अत्यंत अस्पष्ट है मतलब स्पष्ट नहीं है उनके जो क्षेत्र हैं वो एक प्रकार से अस्पष्ट नहीं है अस्पष्ट हैं कुछ मतों के अनुसार कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार यह कुछ क्षेत्र आपको बताए गए हैं आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय कौन कौन से आते हैं अब यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जितने भी विषय आपको बताए जाएं, उससे ही आपको समझ में आएगा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा राजनीति है उसमें हमें पढ़ना क्या होता है तो हमारा पहला है अन्य देशों से संबंधों का अध्ययन हम अपने देश का जो हमारे अन्य देश हैं पड़ोसी देश हैं या दूर के मैत्री देश हैं उनसे क्या संबंध है उसको हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विदेशी संबंधों का अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वे हैं जो कि एक देश अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अन्य देशों के साथ विकास करता है और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अन्य देशों के संबंधों का वर्णन किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है राज्यों के संबंध आपस में अनेक प्रकार के तत्वों जैसे भू राजनीतिक ऐतिहासिक धार्मिक आर्थिक सामरिक आदि से प्रभावित होते हैं जैसे भी किसी भी राष्ट्र का संबंध किन तत्वों पर प्रभावित होता है जैसे कि भू राजनीतिक जो हमारी सीमा है वहाँ की भू राजनीति कैसी है वहाँ का इतिहास कैसा है इतिहास में वह हम दोनों देश जो थे उनके बीच में मैत्री व्यवहार था या शत्रु व्यवहार था उनके दोनों के बीच में धर्म अलग अलग कैसे हैं दोनों के आर्थिक स्थिति कैसी है इन सभी चीज़ जो हैं यह सभी तत्व जो हैं वह राज्यों के संबंध को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं इसके विषय में हमने जान लिया अगला हमारा पॉइंट है अगला हमारा विषय क्षेत्र है नवीन तकनीकियाँ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने हेतु तो जिन नवीन ज्ञान या तकनीकियों की आवश्यकता पड़ती है उनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है नवीन तकनीकियाँ जो भी हैं जिससे हमें समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्राप्त होती है हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर उनके विषय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले ज्ञान का संग्रह रहता है जो कि पुरानी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने और नई समस्याओं को सम सुलझाने में सहायता प्रदान करती है जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इतिहास में जो राजा हैं उन्होंने क्या गलतियां की हैं जिससे उन्हें क्या एक प्रकार से संकट देखने को मिले हैं उसको हम अगर पढ़ लेते हैं तो वो गलती हम नहीं करेंगे और उस प्रकार की अगर हमारे राष्ट्र में हमारे राज्य में कोई भी कठिनाई आती है तो उसे किस प्रकार सॉल्व किया गया था वह हम जानते रहेंगे तो उसे सॉल्व कर पाएंगे तो हमें पुरानी चीज़ों को भी इसमें पढ़ने को मिलता है अगला हमारा है राजनीतिक समूहों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक समूहों या व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित सामान्य ज्ञान आता है और इसके अतिरिक्त नीति संबंधित प्रश्नों या घटनाओं से संबंधित विशेष सूचनाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में समाहित किया जाता है अगला हमारा है विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विशेष प्रकार के प्रश्नों पर विचार करती है जो कि विश्व व्यवस्था में स्वायत्त राजनीतिक समूहों के पारस्परिक संबंधों से प्रकट होती है अगला हमारा विषय क्षेत्र है शक्ति संबंधों का अध्ययन बस आप ध्यान से सुनते रहिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा पांचवा जो विषय क्षेत्र है राजनीति का वह है शक्ति संबंधों का अध्ययन राजनीति में विभिन्न राज्यों के सभी संबंधों का अध्ययन न करके वरन उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो शक्ति से संबंधित होती है और इसकी मान्यता है कि विश्व के सभी राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं कोई भी राष्ट्र हो अपनी शक्ति को बढ़ाएगा तभी वह एक प्रकार से अस्थायित्व तो बनाए रह सकता है जब शक्ति आपकी बनी रहेगी तो आपके दोस्त भी हजार होंगे आप समान रूप से ही देख सकते हैं अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपके बहुत दोस्त बन जाते हैं आप कमज़ोर हैं तो आपके मित्र बहुत कम हो जाते हैं इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र हो अपनी शक्ति को सबसे पहले बढ़ाने का प्रयास करता है विदेशी नीति के निर्माण तथा निर्धारण में शक्ति की संरचना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है आगे हम देखेंगे मार्गिन थाउ की शब्दों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो भी हो शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य होता है सबसे पहले लोग शक्ति को स्थापित करना चाहते हैं अगला इसके बाद हमारा चैप्टर ही आएगा एक प्रकार से राष्ट्रीय हित शक्ति और राष्ट्रीय एक प्रकार से संदर्भ में आपके जो भी विशेषताएं हैं आपकी उनको पढ़ना होगा चैप्टर थ्री फोर में तो उसको अच्छे से आपको बताया जाएगा कि राष्ट्रीय शक्ति का क्या महत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित का क्या महत्व है राष्ट्रीय हित किस प्रकार से अपना रोल निभाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सभी पॉइंट्स विस्तार से हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में इसलिए यहाँ पर आपको ब्रीफ नॉलेज दिया जा रहा है इन सभी टॉपिक्स का इन सभी पॉइंट्स का आगे हम देखेंगे सामाजिक संघर्ष इसके विषय में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सामाजिक संघर्ष एवं समायोजनों से संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है अगला हमारा है युद्ध समाप्ति के उपाय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक प्रकार से शुरू ही इसलिए हुई कि युद्धों को समाप्त करने के उपाय हम पढ़ सकें हमारे सिलेबस में भी है हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उस समय के बाद राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे परिवर्तित हुई वर्ल्ड वार सेकंड शीत युद्ध इन सभी के समय में कैसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी इसको हमें पढ़ना है तो हमारा जब वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ही धीरे धीरे संघ बनना शुरू हुए थे जिससे जो इस प्रकार के वार हैं जो कि विश्व को क्षति पहुँचाते हैं विश्व के भौगोलिक क्षति पहुंचाते हैं पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं इन सब से बचने के लिए ही समूहों का गुटों का निर्माण किया गया था जो सीधे धीरे आके संयुक्त राष्ट्र संघ बन जाती है यह सभी चीज़ें इसीलिए बनाई गई थी जिससे युद्ध जो है उसे रोका जा सके और शांति स्थापित की जा सके तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम यह भी सीखते हैं कि युद्ध समाप्त कैसे किया जाए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उन उपायों का अध्ययन किया जाता है जो युद्ध को रोकने और समाप्त करने के लिए सहायक हो सके आज विश्व में केवल बंदूकों तथा बमों में लड़े जाने वाले युद्ध ही नहीं वैचारिक एवं कूटनीति युद्ध भी हैं उनको ही शीत युद्ध कहा जाता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र युद्ध एवं शांति की समस्याओं से संबंधित है इसलिए हमें युद्ध समाप्ति के विषय में उनके उपायों के विषय में कैसे युद्ध हो सकते हैं और उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करना होता होगा और यह सभी बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि आप धीरे धीरे रिलेट कर पा रहे होंगे आप जब इंडिया से रिलेट करके देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय हित किन किन चीज़ों में हैं हम कैसे युद्धों को रोकेंगे आसपास के जो देश हैं हम पर अटैक ना कर सकें उनसे हमें कैसी सामाजिक स्थिति रखनी है भौगोलिक स्थिति मतलब रखनी है कैसे हमने जो भी पॉइंट्स यहाँ पर देखे हैं जो भी विषय क्षेत्र हमने देखे हैं टकराव की राजनीति देखनी है ये सभी चीज़ें हम कैसे बचा पाएंगे यह सभी चीज़ें ही हमें पढ़नी हैं अगला हमारा है राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों के नियम फिर हम राष्ट्रीय राजनीति देखेंगे मानवीय व्यवहार देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन देखेंगे और यह सभी चीज़ें किसमें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम पढ़ते हैं और यही टॉपिक्स हमें आगे चल के पढ़ना है तो राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों के नियम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान जीवन के जानने योग्य तथ्यों उन परिस्थितियों पर केंद्रित रहता है जो कि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करता है अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को जानने का प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर होता है अब राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है यह हमारा एक मुख्य रूप से चैप्टर सिलेबस में है उसको हम उसमें विस्तार से पढ़ेंगे अभी हम यही जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हमारी है वह राष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से ही विभिन्न राष्ट्र एवं राष्ट्रहितों को संबंधन करते हैं संवर्धन अर्थात प्रेरित करते हैं बढ़ाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया विदेश नीति से प्रभावित होती है अगला हमारा विषय क्षेत्र है मानवीय व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णय उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा लिए जाते हैं जो कि पहचाने जा सके अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे मानवीय व्यवहारों का अध्ययन अपेक्षित है जैसे कि जो विद्वान है जिनका एक प्रकार से प्रभुत्व है विश्व में उनके विषय में भी हमें पढ़ना होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के संबंधों को संचालित तथा नियंत्रित करने के नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है जो विभिन्न राज्यों के संबंध को संचालित करता है और उनको नियंत्रित भी करता है अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध शांति तथा तटस्थता से संबंधित नियमों का संग्रह है अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रमुख विषय हो जाता है और हमारा एक प्रकार से अंतिम यहाँ पर विषय क्षेत्र क्या है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों का अध्ययन अनेक राज्य अपने आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक विकास के लिए आपस में सहयोग करते हैं तथा अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की स्थापना करते हैं ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ देश होते हैं अपने मध्य आर्थिक स्थिति को विकास करने के लिए सहयोग करते हैं कुछ देश वैज्ञानिक स्थिति के सुधार के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं कुछ मशीनरी सहयोग देते हैं दूसरे देश को और उनसे कुछ दूसरी मशीनरी सहयोग लेते हैं तो इस प्रकार से आपस में सहयोग के लिए विकास कर के लिए सहयोग से आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाती है संगठन बनाई जाती है और जिनके माध्यम से अपने बहुपक्षी संबंधों का संचालन वह करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की एक महत्वपूर्ण संस्था है आधुनिक समय में प्रादेशिक संगठनों की भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीति का समावेश होता है और इसमें विभिन्न राज्यों के कूटनीतिक संबंधों पर ही विचार किया जाता है राष्ट्रीय संबंध राजनीति आप राजनीति से समझते क्या हैं विभिन्न दलों के विषय में पढ़ना है उनके क्या विचार हैं वो उनके बीच अगर कुछ विवाद हो जाते हैं तो कैसे सुलझाने हैं यही आप वाइड लेवल पे देखेंगे वाइड एंगल से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यही होता है जो हमारे विभिन्न देश हैं उनके बीच में संबंध कैसे हैं टकराव होता है तो कैसे उनको शांति करना है उनके बीच में कानून है उसको पढ़ना है हर चीज़ हमें अच्छे से पढ़नी है तो ये सभी उसके विषय क्षेत्र हो गए और हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व यह टॉपिक हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या राज्यों के आपसी संबंधों के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्थायी रचनात्मक विश्वव्यापी शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सकें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व तो इस प्रकार दर्शाया जा सकता है जैसे कि पहला क्या है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो समस्या है उसका समाधान खोजा कैसे जाएगा जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ेंगे इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्त युक्त समाधान खोजना है जैसे हम किसी भी मशीन के विषय में पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं जब उस मशीन के विषय में हम पढ़े रहेंगे तभी उसमें होने वाली समस्याओं को हम सॉल्व कर पाएंगे उसी प्रकार जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़े रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या क्या होंगी उनको हम समाधान कर पाएंगे और उनका विश्लेषण कर पाएंगे जिससे आसानी से हम उन्हें सॉल्व कर सकें तो हमारा महत्व तो किस क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कि उसमें होने वाली समस्याओं को हम सॉल्व कर सकें दूसरा महत्व तो क्या है विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों के परिचित होना विश्व राजनीति के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है उसका जो एक प्रकार से स्वरूप है विश्व राजनीति का उसको समझने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते हैं आधुनिक विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में निशस्त्रीकरण साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद व्यापार अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण नवीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आदि प्रमुख है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों का हमें ज्ञान होता है तीसरा पॉइंट हमारा क्या है विश्व शांति का आधार तैयार करना विश्व शांति आज के युग में अप्रतिम आवश्यकता है और प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों एक तो विश्व शांति और एक युद्ध का एक साथ अध्ययन करना हमें विश्व शांति और युद्ध जो कि दो विरोधी स्थितियां हैं दोनों को एक साथ अध्ययन करना चाहिए और यह एक प्रकार से मुख्य समस्या है कौन कहते हैं प्रोफेसर कौन कहते हैं प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन युद्ध के कारणों की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को यह वह विषय प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है जब हम युद्ध के कारण को जान लेंगे उसकी खोज कर लेंगे कि कोई भी युद्ध क्यों शुरू हो रहा है क्या कारण है जब हम उसको जान जाएंगे तो विश्व शांति स्थापित करने में हमें आसानी होगी अगला महत्व तो क्या है विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टिन ड्रसेल के अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन कराने वाला विषय है और इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है इस प्रकार हमने एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ देखा उसकी परिभाषा देखी उसके क्षेत्र देखे उसके क्षेत्र विषय देखे और उसका महत्व तो देखा और यह चैप्टर हुआ हमारा समाप्त अगला चैप्टर जो हमारा है उसमें हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो हमारे अप्रोचेज़ हैं दृष्टिकोण हैं जो हमारी थियोरीज हैं सिद्धांत हैं उनके विषय में पढ़ना है जैसे कि अप्रोचेज़ में हमें आदर्शवाद और यथार्थवाद नौ यथार्थवाद और एक ये सभी तीनों एक प्रकार से दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ना है और दो थियरीज हैं हमारी दो सिद्धांत हैं एक है डिसीज़न मेकिंग सिस्टम थियरी और एक है गेम थियरी जो कि खेल सिद्धांत ये दो सिद्धांत पढ़ने हैं और तीन दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़नी है या हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे इसलिए चैनल पर बने रहें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें कोई भी प्रश्न आपको चैप्टर फर्स्ट में समझ में ना आया हो कोई भी टॉपिक आप प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद